दो दिन पहले लगी खबर, ठेकेदार हुआ नदारद, खबर का हुआ असर। पाइपलाइन जमीन में दफन होते देखा किसानों ने ली राहत की सांस। रामपुरा तहसील के चचोड़ क्षेत्र में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत खेतों में पाइपलाइन डालने का कार्य प्रगति पर है, जो चचोड़ से बंदड़ा के बीच खातिया खेड़ी बालाजी के पास पिछले कई दिनों से कार्य बंद पड़ा है। जो दो दिन पहले लगी खबर, ठेकेदार लापरवाह है, किसान परेशान हुआ, जिसका असर हुआ। पिछले 10 दिनों से नदारद ठेकेदार अचानक 2 जेसीबी मशीन लेकर आधमका और आनन फानन में कार्य शुरू किया। खेतों के बीच खुदी खाई में पाइप डालकर किसानों के खेत समतल करना शुरू किया। फिर खाई में डाले हुए पाइप की गहराई कहीं कहीं पर बहुत कम दिखाई दे रही है। जहाँ किसान अपने निजी पाइपलाइन ठीक कर रहा है, वहीं पर पाइप लगभग जितनी गहराई में होनी चाहिए उतनी नहीं दिखाई दी। वहाँ पर पाइप जमीन से कुछ गहराई पर देखने को मिले, जहाँ ठेकेदार की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। संबंधित सिंचाई परियोजना के अधिकारी और इंजीनियर चचोड़ क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि भविष्य में किसानों को कोई परेशानी ना आए। रविवार दोपहर के बाद खेतों में पाइप दफन कर ठेकेदारों द्वारा खेतों को समतल किया जा रहा है। आइए सुनते हैं यहाँ के स्थानीय किसान राधेश्याम पाटीदार ने क्या कुछ कहा। दशरथ मालिक की रिपोर्ट। सर, क्या दिक्कत हो रही थी आपके यहाँ पे? कुछ नहीं है, लाइन वाले पाइपलाइन वाले सरकारी लाइन डली हुई थी, ये खाई खुदी हुई थी। कितने दिन से खुदी हुई थी? 10-12 दिन से खुदी हुई थी। 10-12 दिन से ऐसे ही पड़ी थी कि? ऐसे ही पड़ी थी, आज आके इन्होंने पाइपलाइन डाली और भर दी, इनको पैक कर दी, मतलब पैक कर दी। तो आपको क्या खास परेशानी क्या हो रही थी? खेत साकना था इसलिए थी, परेशानी आ रही थी, परेशानी आ रही थी। तो अब आज आए तो फिर इसको डबल सकवाना पड़ेगा, फिर खून दिया इन्होंने तो वापस पैक कर दिया है ना? वापस पैक कर दिया। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लाइन ठीक हो जाए और ये पत्थर वगैरह बीनने का कार्यक्रम चलेगा। पत्थर बीनना पड़ेगा खेतों के अंदर, जहाँ जहाँ पत्थर निकला हुआ वहाँ। तो आपके खेतों में, आपके खेतों में पाइप डाल दिए इन्होंने के नहीं डाले? डाल दिए ना, खेत समतल कर दिए। समतल कर दिए। क्या नाम है आपका? राधेश्याम पाटीदार।